सीने में दर्द की शिकायत के बाद 21 जनवरी को रिम्स में भर्ती हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए उनका परिवार अस्पताल पहुंचा। इस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद थी। लालू यादव की RSCT जांच के दौरान भी मीसा भारती साथ रही। करीब 1 बजे तक पूरा परिवार लालू प्रसाद यादव के साथ नजर आया। मीडिया से बात करने के बाद पूरा परिवार होटल के लिए रवाना हो गया। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से निधि संग्रह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा बासुकीनाथ धाम में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह किया गया। निधि संग्रह का यह अभियान 27 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत नोनीहाट के संजय हिम्मत सिंह के जरिए 11,000 रुपए देकर की गई। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनरत किसानों को अब मजदूर मोर्चा का समर्थन भी मिल रहा है। C2 के आह्वान पर इस्पात मजदूर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बोकारो से राजभवन तक मोर्चा निकाला। यहां बोलते हुए मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि इस्पात मजदूर मोर्चा किसानों के आंदोलन के साथ पहले दिन से खड़ा है और खड़ा रहेगा। जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते रहेंगे। हजारीबाग के नगवा टोल प्लाजा को लेकर हो रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लोग टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि टोल प्लाजा को लेकर हम लोग NHI से संबंधित पदाधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। लोगों की जो मांग है उसे मैंने खुद जाकर देखा है। अभी टोल चालू नहीं हुआ है। मैं दिल्ली जाकर संबंधित पदाधिकारी से बात करूंगा और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के सैमोरा गांव स्थित राधा कृष्ण के मंदिर में अष्ट धातु से निर्मित बेशकीमती मूर्ति को चोरी करने में चोर असमर्थ हो गए। मंदिर का ताला तोड़ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की मगर चोर इसमें कामयाब नहीं हो सके। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुबह पुजारी उदयनाथ पांडे पूजा करने मंदिर पहुंचे। पुजारी ने बताया कि वो मुख्य द्वार का ताला खोलकर अंदर आए तो गर्भगृह के ताले को गायब पाया। पुजारी द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर कांदी पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट चुकी है।